नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान। जी हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे भक्तगण ये सवाल बहुत ही सहजता से पूछते हैं कि ईश्वर को जानने का, ईश्वर को पहचानने का और ईश्वर को देखने का क्या मार्ग है। देखिए, यह प्रश्न अपने आप में ही काफ़ी उलझन भरा है और काफ़ी गूढ़ सवाल है। दोस्तों, ईश्वर को जानने का वैसे तो कोई प्रत्यक्ष मार्ग नहीं होता, लेकिन जैसा कि हमारे शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई हैं और प्रमाणित भी हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो इसका सरलतम उत्तर यही प्राप्त होता है कि ये सारा जो जगत है, सारी जो सृष्टि है, ये हमारी दृष्टि से ही संबंधित है। इसका आपसी एक संबंध है कि जिस प्रकार हम इस सृष्टि को देखेंगे या जिस प्रकार हम इस सृष्टि को पहचानने के लिए इसकी खोज में निकलेंगे, तो जैसी दृष्टि हम इसके लिए अपनाएंगे, हमें सृष्टि भी वैसे ही दिखेगी। इसके लिए सर्वप्रथम हमें सृष्टि को अपनी दृष्टि से पहचानना होगा कि इस सृष्टि को हम कैसे देखते हैं। जो हमारा सृष्टि को देखने का एक नज़रिया है, उस नज़रिए में ही हमें बदलाव करना होगा। हमें अपने नज़रिए को इस तरह बदलाव करना होगा कि हमें सृष्टि में हमारे सवालों का, जो हमारे मन में सवाल हैं, उलझने हैं ईश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए, उसे इसी उत्साह के साथ देखना होगा। तभी हमें यह सृष्टि से संबंधित गूढ़ रहस्य धीरे धीरे उजागर होते हुए दिखने लगेंगे। अपनी सृष्टि जो है, यहाँ पर काफ़ी सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्राणियों में भिन्नता। जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य के अलावा भी काफ़ी जीव जंतु, काफ़ी जो सृष्टि के अंदर रची बसी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी भिन्न हैं, क्योंकि मनुष्य के अलावा भी काफ़ी जीव, काफ़ी शक्तियां इस सृष्टि में, इस चराचर में विद्यमान हैं, जिन्हें पहचानने के लिए हमें अपनी दृष्टि में बदलाव करने ज़रूरी होंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने मन के भावों पर नियंत्रण करना होगा, अपने मन के भावों को पहचानना होगा और सभी जितने भी प्राणी इस सृष्टि में हम देख सकते हैं,